73 साल की उम्र में ऐसा सोचूं कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, कुछ पल तो अपने जीने को भाई, तो कोई बोलेगा जीने के तरह बचे कितने नहीं, कितने से बचे, अब क्या चाहिए अगर अब तक भी जी नहीं, कितने भी बचे हैं इवन एक मेरी उम्र में या 70 साल या 72 साल की उम्र में भी ये ख्याल आ जाए सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, कुछ पल हमें जीने दो जीने दो, तो गलत है, तो गलत नहीं। अच्छा अभी हमारे देश में ना ये कितना सीनियर सिटीजन डे, मदर डे, फादर डे पहले कभी होते थे, एक दिन डेडिकेट कर दिया मदर को, अरे भाई मदर के दो तीन को पैसे थे, एक दिन डेडिकेट कर दिया फादर को, फादर तो 365 दिन फादर है भाई, अगर इतने मदर डे फादर डे में यू नो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स क्या होती हैं, माँ खड़ी है बेटा बैठा है ऐसे हाथ जोड़ के चरणों में, अगर 364 दिन 365 दिन ऐसे जी ले तो फिर इतने सारे हमारे कंट्री में ओल्ड एज होम सारे को खुल गए, जहाँ लोगों को भेज दिया जाता है, क्यों खुल गए, तो क्या बात क्या है। हम जब बच्चा अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रॉब्लम कि हाँ बच्चे के शरीर में कुछ बीमारी आ गई तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो तो बात समझ आती है, बट अदरवाइज हम किसी के पास या किसी से डिस्कस करने जा रहे हैं क्या अपने बच्चों की प्रॉब्लम, अपने बच्चों की प्रॉब्लम, तो मतलब अगर उनकी अभी ये बचपन है तो चाइल्डहुड की प्रॉब्लम ठीक, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एडोलेसेंस की प्रॉब्लम, टीनेजर प्रॉब्लम, और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एडल्टहुड की प्रॉब्लम, फिर और उनकी शादी हो जाएगी तो मैरिटल प्रॉब्लम, फिर थोड़ी देर के बाद अधेड़ उम्र के हो जाएंगे 40-45 तो मिडिल एज प्रॉब्लम, फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम, ओल्ड एज प्रॉब्लम, मतलब टॉडलर से लेके ओल्ड एज तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जिंदगी क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, तो फिर उनका सॉल्यूशन क्या, मौत, चलो भाई सारी प्रॉब्लम से छुटकारा, तो हम पैदा क्यों हुए और वापस क्यों जा रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ही झेल रहे हैं, बस यही जिंदगी में फीलिंग रही कि हम जब से पैदा हुए तब से हमारे माँ बाप को कुछ 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 प्रॉब्लम हुई, फिर हम बड़े हो गए तो हमें कुछ 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 प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर हम बुढ़े हो गए तो हमारे घर घुटने चले गए वो ओल्ड एज प्रॉब्लम हो गई, सांस में दिक्कत हो गई वो ओल्ड एज प्रॉब्लम हो गई, भैया ये तो प्रॉब्लम थी लोगों के प्रॉब्लम भी खत्म हो, क्या करेंगे हम यहाँ किसी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने नहीं आए, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ सिचुएशन है जो बदलती रहती है और हर सिचुएशन में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए उस सिचुएशन से डील करने के लिए, अगर हमको वो बदलना है तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, क्या हमने कुछ कमी रह रही है, तो यहां हम सिर्फ इन सब चीजों के बारे में सोचने आए हैं पर और कुछ नहीं, और अकेला दिमाग ये सोचता है, सब मिलके एक साथ सोच लेते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो लगता है जो सिचुएशन ये डील कर रहे हैं कोई ये डील कर रहे हैं कोई मैं डील कर रहे हैं कोई मैं, तो मतलब क्या है, मतलब सिचुएशन सबकी एक सी है, कुछ मेरी आंख अलग नहीं है, हे भगवान मेरे सबसे अलग क्यों, तो नहीं है सबके साथ ही कुछ एकता है, और दूसरी चीज अगर सबके साथ ही कुछ एक सी सिचुएशन चल रही है तो उसको डील करने की तरीके भी एक जैसे ही होने चाहिए, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एंड लेट्स गिव अ बिग हैंड टू ऑल द फादर्स हु आर हियर, बिग हैंड टू योरसेल्फ एंड बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू द फादर्स हु हैव टेकन अप टाइम टू बी हियर।
कि दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, तो ऐसा कुछ ऐसा क्यों किया आपने कि एक पहिए घर ही छोड़ा है और एक पहिया यहाँ आ गया? वो चाहे मदर अकेले आई है चाहे फादर अकेले आई है, क्योंकि बच्चे का ठीक विकास तो माता पिता दोनों के सहयोग से ही होगा। तो मैं आप सबको मृदुल जैन आज की सभा में आप सबको वेलकम करती हूँ। कुछ तो किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी, कुछ करना है फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, क्या मैं LIC इंश्योरेंस वो मतलब आपके लाइफ टाइम में पैसे मिलेंगे या बाद में मिलने वाले हैं? हेल्थ इंश्योरेंस करा रखिए वो वंडरफुल LIC। अच्छा और क्या इन्वेस्टमेंट, और क्या इन्वेस्टमेंट? हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं कि हेल्थ खराब हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ज्यादा गड़बड़ होगी तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, अस्पताल में जाएंगे तो पैसा लगेगा, तो पैसे का इंतजाम हो गया। एक बार वो खटना पड़ेगा, उससे पहले हम थोड़ा खट रहे हैं, हड़ताल प्रीमियम दे रहे हैं ताकि जब वो समय आएगा तो हमारे पास पर्याप्त धन मिल जाए। कोई और इन्वेस्टमेंट किसी ने कराई है? प्रोविडेंट फंड ₹55। अच्छा, तब तक आप अपना कमाना बंद कर चुके होंगे, अपना कमाना भी चालू रहेगा और फिर वो एकदम से पैसा भी मिल जाएगा, हेल्दी अमाउंट मिलेगा। बटअप और किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट सबने करा चुके होंगे, कुछ भी पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, FD करा रखी होगी, बच्चों के लिए भी है। तो सभी लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखा है, पक्का ना? जितने नहीं किया वो करा लेना, बहुत जरूरी है भाई। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखा है, बच्चे भी तो हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी है, समझे? बिल्कुल है ना। तो हम इसके म्यूचुअल फंड में क्या डाल रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड में हम क्या डाल रहे हैं? अपना टाइम। ओ वेरी गुड, एक बार जोरदार खाली हो जाए इस तरह के लिए। इस म्यूचुअल पर बाकी की सबकी प्रोविडेंट फंड 55 साल की उम्र में मिलेगा, FD भी जितने साल के लिए कराइए उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगा आपको उसका ब्याज, है ना? पर ये वाले इन्वेस्टमेंट का ब्याज तो रोज मिलता है, अभी भी मिलेगा और लाइफ लॉन्ग भी मिलेगा। एक जोरदार सर क्या ये टाइम कैसा वाला इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? अपना टाइम रहेंगे उसको जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, मतलब हम बच्चे के साथ बैठे, हम अपनी सब्जी काट रहे, बच्चे को साथ में बिठा लिया है ना, हम सब्जी काट रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, बच्चा पीछे पीछे मम्मी 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 हाँ कहता, अभी ठहर जा एक मिनट में, अभी एक मिनट में आ रही हूँ मम्मी, अभी आ रही हूँ एक मिनट में, फिर या पापा आ गए पापा पापा अठे बस एक मेल दे दी, एक मेल दे रहा हूँ बेटा, बस उसके बाद इधर मेरे को फोन आ गया, अब बेटा बस एक फोन अटेंड कर लूँ उसके बाद, फिर कुछ और आ गया उसके बाद। तो टाइम तो हमने तभी भी दिया, बट कब दिया? जब हमको लगा आप हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, अब जितनी देर को टाइम उतनी देर में उसके दिमाग में उतनी देर में उसने क्या सोच लिया, क्या सोच लिया?
बाद फिर भी क्या टाइम क्या क्या मैसेज दिया हमने बच्चे को? उसको लगा मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको कोई इंपॉर्टेंस ना दे क्या लगेगा? क्या लगेगा आपको कोई इंपॉर्टेंस ना दे? आप गए किसी से बात करते चिड़चिड़ाहट होगी, हाँ, और किसी से मिलने गए हैं उसने आपको खड़ा रख दिया और लगा हुआ अपने काम में। आपने किसी से फोन, सरकारी दफ्तर में कई बार ऐसे फेस करना पड़ता है सरकारी दफ्तरों में कि आप खड़े हुए हैं और अगला अपने फोन पे लगा हुआ है, उसकी बातें कर रहा है, अपने ग्रुप को डील कर रहा है। आप क्या सोचते हो क्या आदमी है यार, मेरे कोई भी दिया मेरे पास टाइम नहीं है क्या? मेरे पास भी तो मैं तो अपना टाइम निकाल के आया। मतलब हम में से हर शख्स को क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस चाहिए। ठीक है, एक चीज चलिए, ये इन्वेस्टमेंट हमने जो हम कर रहे हैं इसमें हम रोज कुछ डाल रहे हैं, अपना टाइम डाल रहे हैं, जैसा सर ने बोला अपना ध्यान डाल रहे हैं, अपना उनको पालने पोसने में अपना पैसा भी डाल रहे हैं। क्या हमें उसकी इन्वेस्टमेंट ठीक मिलने वाली है या नहीं? थैंक यू सो मच मैम। बच्चों में संस्कार डालना, सब कोशिश करते हैं पूरे संस्कार डालने की, है ना। कभी कभी हम कोशिश ऐसे भी करते हैं कि कोई आया है मिलने के लिए और मेरा मिलने का मन नहीं है, तो मैंने बच्चे को बोल दिया, वो तो कहते मम्मी घर में नहीं है या पापा घर में नहीं, डाल दिया हमने भी ये भी संस्कार। जब हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, डाल दिया हमने उसके अंदर एक संस्कार की अपने आप को वो समझो दूसरे की कोई वो नहीं है, तुम अपना पहले काम करो, अपने को पहले ऊपर रखो उसके बाद। और अगर हमने अपने सब काम छोड़ के, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सिक्स सेवन्थ क्लास में किसका बच्चा? सिक्स क्लास में, हाँ सेवन्थ क्लास सिक्स में। अच्छा मैम, अभी तक आपको आपके वो स्कूल की सारी बातें बताना है, सारी बातें बताते हैं। सब बच्चे क्लास सिक्स तक के पेरेंट्स के ये मानते हैं कि अभी तक आपके आपको बच्चे सारी बातें बताते हैं, बताता है कि झूठ भी बताता भी है और झूठ भी बताता है। कितने लोग इस बात से सहमत है? खुल के हाथ खड़ा दीजिए, सबके साथ ये दिन भी है सबके साथ, हाँ सबके साथ। कभी नर्सरी के जी क्लास वन क्लास टू आपके आपको हर बात बताते थे ना, पक्का। फिर आगे क्लास फोर, फिर क्या हुआ? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाली जो उनसे ना उलझ रही हो, जिसमें उनको डांट ना पड़ रही हो, बता देगी कि मतलब हमारी हमें डांटना पड़ेगा, बता रहे हैं बस आप हमें डांटोगे नहीं तो हम बता देंगे अपनी गलती, नहीं तो उन्हें बताएगी बस सामने की बता देंगे। अभी तो वो ये कह भी रही है कि अगर आप डांटोगे नहीं तो हम बता देंगे, सुधर जाओ, यही तो सुधर जाओ, वो बताना चाहती है। और वो आपको कह रही है कि मुझे नहीं डालोगे तो मैं बताऊंगी, पर आप तो सुधरेंगे नहीं, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो फटाफट जैसे ही पहले आके हर बात बताते हैं बच्चे। एक बार उसने आके आपको, क्योंकि उसको झूठ बोलने का संस्कार नहीं है, उस समय तक उसको पेरेंट्स ने जो भी बात बोली, जो भी बात पेरेंट्स ने की उसने अब तक की, वो बाल सुलभ हरकत समझ के पेरेंट्स ने उसको क्या दी? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ बड़ा मजा आया, अच्छा उसने ऐसे किया, अच्छा
एक बजे को हो गई क्लास, फोर में आ गई, उसने कुछ ऐसी हरकत कर ली जो उसको लगा, उसको पता ही नहीं लगा कि उसने गलत कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है, उसने उसको बाल सुलभ हरकत समझ के कर लिया, वो करके आ गई और उसने आपको बता दिया, क्योंकि उसको तो आदत है हर बार बताने की, बता दी। आपने रिएक्शन क्या दिया? क्या दिया रिएक्शन? डांटा या मार दिया? डांटा या मार दिया, है ना? और फिर उसके बाद दूसरी बारी हुई, उसने बात फिर बता दिया आपके, आपको फिर आपने क्या किया? मैम आई वुड वॉन्ट यू टू बी वॉचफुल लिटिल नेक्स्ट टाइम, कुछ कह रहे थे आप? हम डांटेंगे या मारेंगे? अगली बारी कोई गलती करेगी तो हम और जोर से डांटेंगे, और जोर से मारेंगे, फिर धीरे 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 ये बंद हो जाएगा डांटना मारना। आपको लगता है कि उसने वो काम करना बंद कर दिया, आप मैंने डांटा था या मारा था, समझ गई, समझ गया बच्चा, अब नहीं कर रहा वो काम। देखा, मैंने अपने बच्चे कंट्रोल कर लिया, हो रहा है वही काम, बस आपको उसने बताना बंद कर दिया साफ साफ। यही एक छोटी क्लास के सभी बच्चों ने, सिक्स क्लास के, सेवन क्लास के, आजकल बच्चे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए, सिक्स क्लास के, सेवन क्लास के बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि कल सब 50-50 रुपीज लेकर आना, हम बाहर कुछ खाने चलेंगे। बनते हैं ना मैम ऐसे वाले प्रोग्राम बच्चों के? बन जाते हैं 500 वाले बनते हैं? ओहो, ओके। ये 500 बच्चे क्लास में आते हैं चुरा के? ये चोरी कभी 50 से शुरू हुई होगी ना, तो मैंने 50 पे ध्यान नहीं दिया। और कभी कभी ऐसा हुआ कहीं कि मेरा बच्चा कह रहा है, कुछ घरों में ऐसा भी होता है, बच्चे को हम एक महंगी चीज, एक महंगा नोट, लाल वाला गांधी, हरे वाला गांधी सहज में ही क्यों दे देते हैं? क्योंकि एक बहुत महंगी चीज है जो हम नहीं दे रहे, अपना समय, अपना समय उसे नहीं दे पा रहे। और ज्यादातर ऐसे वाली हरकत पापा लोग करते हैं, क्योंकि समय कम पापा लोग नहीं दे पाते, उनको काम पे जाना होता है। तो जब वो रात को घर में लौटे और बच्चे ने अपनी डिमांड रखी, तो उसे पीछा छुड़ाने का एक सहज उपाय, ले ले बेटा 200 का नोट, ले ले बेटा 100 रुपए का नोट, 100 से शुरू होते हैं, 50 से शुरू होते हैं, बढ़ते 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 वो 500 हो जाते हैं। कभी आप आज बहुत खुश हैं, आपकी बड़ी ईगो को कुछ बड़ी हवा मिली है, आज आप बहुत खुश हैं, आज अपने 500 का नोट दे दिया, तो लगा यार ये तो जायज बात है, मिल जाना चाहिए कभी कभी 500 का नोट। अगली बारी आपका मूड खराब है, नहीं दिया आपने 500 का, पर उसको तो चाहिए, उसने पिछली बारी के बेसिस पे कमिटमेंट कर दिया भाई अपने दोस्तों, उसको तो चाहिए वो 500 का नोट। अब उसके पास ऑप्शन वही है, चुरा ले, चुरा ले। तो हमारी की हुई हर हरकत उसका, अभी मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे ना, वो इसीलिए की, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू पिन पॉइंट द मिस्टेक दैट वी डू एंड वी कीप ऑन डूइंग इट विदाउट रियलाइजिंग, एंड आई एम पर्पसली टॉकिंग इन इंग्लिश जस्ट नाउ बिकॉज आई